जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज कामदा एकादशी व्रत है। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आपके कोई परिजन जिनकी मुक्ति ना हो पाई हो और जो इस योनि में फंसे हैं, आप अगर इस व्रत को करते हैं और उसका पुण्य जो है आप अपने पितरों को देते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं बताया गया। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी की जो तिथि है भगवान विष्णु का हृदय है, इतना उनको प्रिय होता है ये व्रत। तो इस तिथि में आप व्रत और पूजन क्या करें, आइए ये भी जान लेना आवश्यक होगा। कामदा एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको शीघ्र उठ जाना चाहिए। स्नान हेतु मिट्टी, तिल और कुशा का आपको प्रयोग करना है। स्नान के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का पूजन करने हेतु आपको संकल्प करना चाहिए, उसके पश्चात आप भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। आठों प्रहर अगर आपसे संभव हो जाता है तो बिना जल पिए यानी निर्जला आपको व्रत करना चाहिए, और अगर आप आठों प्रहर बिना जल के नहीं व्रत पारण कर पाते हैं तो ऐसे में आप कुछ फलाहार ले सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा नहीं देता। व्रत रखते हुए भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण और संकीर्तन करना चाहिए। गूगल की धूप करें और पीले पुष्प आपको समर्पित करने चाहिए। पंचामृत का भोग आपको लगाना है, पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। भगवान को पंजीरी का भोग भी यानी आटे, देसी घी और शक्कर से बनी हुई, गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी जिसे चूरन कहते हैं, उसका भी भोग भगवान को लगाना चाहिए और मिश्री और तुलसी आप अवश्य चढ़ाएं। हल्दी अथवा चंदन की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊं इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा महात्म होता है, अतः द्वादशी यानी दूसरे दिन आपको ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही आपको स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कामदा एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार बताया मैंने कि इस एकादशी में उपेंद्र स्वरूप की भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इस स्वरूप को पूजने के लिए ओम नमो भगवते उपेंद्राय केशवाय माधवाय नमोस्तुते। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम नमो भगवते उपेंद्राय केशवाय माधवाय नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आचमन करने के पश्चात धूप दीप चंदन आदि पदार्थों से भगवान विष्णु जी की आपको आरती करनी है तथा अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को घर पर भोजन करा करके दक्षिणा सहित विदा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कामदा एकादशी की रात्रि के दिन आपको दीपदान करना भी बहुत अच्छा लाभ देता है, और तुलसी के पौधे के पास अगर आप एक दीपक जलाते हैं देसी घी का तो आपको लाभ मिलता है, और भगवान विष्णु का अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर के भी आपको दीपक जलाना चाहिए। यदि इस तिथि में एकादशी की तिथि में कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुछ विशेष कामनाएं हैं जो पूरी काफी समय से नहीं हो पा रही हैं, आपकी वह मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो जो कुछ 5 उपाय आपको मैं बताता हूं इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए।
पहला उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में संध्या काल के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको लगाना है और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है और उसके साथ साथ इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी है। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके परिवार पर नहीं आता और परिवार में अगर कलह क्लेश की स्थिति है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। आपके शहर में जो भी पवित्र नदी हो, कुंड हो, सरोवर हो, तालाब हो, वहां जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। इससे जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी आयु को देने वाला और अच्छे स्वास्थ्य को देने वाला बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपका घर, आपकी तिजोरी हमेशा धन से, पैसों से परिपूर्ण रहेगी, भरी रहेगी। चौथा उपाय यह है कि यदि आप चाहते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं आपके पास लक्ष्मी आए, तो एकादशी की तिथि में घर के आसपास जो भी विष्णु मंदिर है आप वहां जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई का या फिर अपने हाथों से बना करके दूध और चावल, उसमें कुछ मेवा डाल करके अच्छी सी खीर बनाइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और इसमें थोड़ा सा भोग में तुलसी के पत्ते आप डाल करके भगवान विष्णु को आप भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये किसी भी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय हैं। पांचवा उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में दक्षिणावर्ती शंख में जल या कच्चा दूध भर करके भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और अपने सेवक की, अपने साधक की सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। तो आज के दिन क्या उपाय हमें करना चाहिए, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए, ये सब कुछ हमने जाना आज के महाउपाय में। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमस्कार। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।